जिन दिनों में कांग्रेस बीजेपी तो आपस में लड़ती रही है, लेकिन इस बार एक ऐसा नेता मैदान में आया है जो आम आदमी को, जो गरीब और मजलूम जो जनता है, जिसको कभी नेता उपलब्ध नहीं होते थे। बाग गुड्डा जी की रील देखी ने, ये वो इधर MLA जाट, MP जाट, प्रधान जाट, सह जाट, कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसी क्या बात है। राजेंद्र सिंह जी गुड्डा किस मामले में कमजोर है? स्टेट लेवल के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ना बीजेपी के किसी लीडर से कमजोर हैं और ना ही कांग्रेस के किसी लीडर से कमजोर हैं। और वर्तमान में झुंझुनू जिले में, ये झुंझुनू विधानसभा में जो कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे किसी से कमजोर नहीं है, किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। दो बार मंत्री रह चुके हैं, सदन में लड़ाई की है उन्होंने, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई की, आम आदमी की अधिकारों के लिए लड़ाई की है। और जो बाकी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी तक सदन का मुंह माथा नहीं देखा है। तो मुख्य मुकाबला गुड्डा जी किस से मान रहे हैं, कांग्रेस से मान रहे हैं, बीजेपी से मान रहे हैं? कांग्रेस का मुस्लिम कोर वोटर है, उन्होंने अपने हक के लिए यहाँ से टिकट की मांग की थी। अच्छा, और जो कि रात को आपको सबको पता ही है, टिकट जहाँ आनी थी वहाँ आ गई। अब मुस्लिम नाराज हैं तो हैं, और वो वोट राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को देंगे। पूरा विश्वास है कि जीत को? विश्वास तो दिखाऊंगा, विश्वास तो पहले किन्ने बेरो पड़े। पहले कोई ज्योतिषी को ना मारगन, कोई ज्योतिषी विद्या हो तो बता दिया कि को जीतता को जड़ भी कहीं साथ हो जावा। और कास्टिज्म को तो हमेशा प्रभाव कर रहे हैं, मुस्लिम और SC ST जो नीचे को तबका है बिन तो कड़ा मैं तो मिले को नहीं। अरे एक छत्र राज रही है जातिवाद को, जाट ही भाई, कांग्रेस है तो जाट है, बीजेपी है तो जाट है, अन्य कोई नेता भी नहीं है। पहले एक नेता है जो राजेंद्र जी उठाया है, लाल डायरी वालों मुद्दों बैठे है ज्यादा ही चट गयो है। लाल डायरी वालों कुछ भी मुद्दो है, जनता को मुड पे, जनता एक ही एक ने जिताती रह जाए तो मुद्दा ही कौन बने ना। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त मैं झुंझुनू में कलेक्ट्रेट के पास यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे अभी फिलहाल राजेंद्र गुड्डा जी ने निर्दलीय फॉर्म भरा है और यहाँ उनके समर्थक काफ़ी एकजुट हैं। इनसे हम बात करते हैं, क्या प्लानिंग रही, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या किस प्रकार से कांग्रेस ने है, बीजेपी है, फिर निर्दलीय फॉर्म भरा, क्या प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, यहाँ झुंझुनू में कांग्रेस बीजेपी तो आपस में लड़ती रही है, लेकिन इस बार एक ऐसा नेता मैदान में है जो आम आदमी को, जो गरीब और मजलूम जो जनता है, जिसको कभी नेता उपलब्ध नहीं होते थे, उनको पिछले 6 महीने में राजेंद्र सिंह जी गुड़ा है, वो यहाँ मैदान में रहे हैं, आम आदमी से मिले लगातार छह महीने से यहाँ झुंझुनू की जनता के बीच में रहे हैं। यहाँ नेता महंगे थे, आम आदमी से मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ऐसे नेता है जिन्होंने आम आदमी तक पहुँच बनाई है। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं साहब, ऐसी क्या बात है। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा किस मामले में कमजोर हैं? स्टेट लेवल के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ना बीजेपी के किसी लीडर से कमजोर हैं और ना ही कांग्रेस के किसी लीडर से कमजोर हैं। और वर्तमान में झुंझुनू जिले में, ये झुंझुनू विधानसभा में जो कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे किसी से कमजोर नहीं है, किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। दो बार मंत्री रह चुके हैं, सदन में लड़ाई की है उन्होंने, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई की, आम आदमी की अधिकारों के लिए लड़ाई की है। और जो बाकी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी तक सदन का मुंह माथा नहीं देखा है, और चले भी जाएंगे तो बैठ के आएंगे वापस। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा वो नेता है जो जनता के अधिकारों के लिए वहां लड़ सकते हैं, इसलिए। अच्छा, बात करें तो झुंझुनू की भाई कास्ट का भी बड़ा रोल रहेगा, तो एक मुस्लिम वोट पे बड़ा वोट बैंक है, मैंने काफी लोगों से चर्चा की कि वो गुड्डा जी के साथ है, कैसे? बिल्कुल मुस्लिम वोट है झुंझुनू विधानसभा के, जो मुस्लिम वोट है हकीकत में वो पीड़ित है। उनको छोटी छोटी बातों के लिए भी यहाँ का प्रशासन भी परेशान करता है, और लीडर्स है उनका भी उनको सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन पिछले 6 महीनों में कम से कम 100 ऐसे मामले हुए हैं जिनमें राजेंद्र सिंह जी गुड़ा उनके कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो नगमा बानो सभापति है उनका आशियाना टूटने की बात हो, चाहे वो पीपली चौक में जो एक घटना हुई थी बदमाशी उसके मामले की कोई बात हो, या चाहे पिछले सलीम जी हैं जिनको पुलिस ने ज़बरदस्ती 151 में गिरफ्तार किया था वो मामला हो, चाहे और भी काफ़ी सारे मामले हैं जिनमें, चाहे वो सलामपुर के जहांगीर है जो बिजली के चिपके जिनकी डेथ हुई थी उसमें 15 लाख की मदद करवाई थी प्रशासन के द्वारा। वो तो सही बात है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। साहब, इस बार मुस्लिम वोट जो मुस्लिम जो कोर वोटर है, कांग्रेस का मुस्लिम कोर वोटर है, उन्होंने अपने हक के लिए यहाँ से टिकट की मांग की थी। अच्छा, और जो कि रात को आपको सबको पता ही है, टिकट जहाँ आनी थी वहाँ आ गई।
अब मुस्लिम नाराज हैं तो है और वो वोट राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को देंगे, बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, 100% इस बार राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा ने उनके बीच में जाके इतना शानदार काम किया, उन लोगों की मदद किया, उन लोगों के कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा हुआ, हर एक आत्मी तक पहचानने तक की उन्होंने बात उनके बीच में रहे, उनको तो जीत के प्रति आश्वस्त हो आप? बिल्कुल आश्वस्त है। चलो और बात करते हैं, क्या नाम है? कैलाश बोयल। अच्छा, के लाग रहे चुनाव किया वो रेसी अब गए? चुनाव बहुत शानदार बना, बहुत मजेदार, पहली बार ही आए चुनाव बना भाई साहब, बहुत मतलब वो चुनाव कांग्रेस बीजेपी को रही है हमेशा, और कास्टिज्म को तो हमेशा प्रभाव कर रही है, मुस्लिम और एस सी एस टी जो नीचे को तबका है बिन तो कड़ा महत्व मिलेगा नहीं, अट एक छत्र राज रही है जातिवाद को, जाट ही भाई, कांग्रेस है तो जाट है, बीजेपी है तो जाट है, अन्य कोई नेता भी नहीं है, पहले एक नेता है जो राजेंद्र जी उड़ा है, जो निचले तबका ले साथ ले कि भाई हर काम में, हर मीटिंग में, हर बाकी सुख दुख हर काम में बाग आगे तैयार है, कि कड़ा भी कोई भी काम हो तो बागले मदद के लिए तैयार है। तो जी हाँ, लगे कि अगर राजपूत वोटा की बात करें, राजपूत वोट मोस्टली बीजेपी ने वोट करे अगर, तो वह बीजेपी को साथ छोड़ सी गुड्डा जी साथ? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपके राजेंद्र जी का साथ ही पूरा पूरा वोट, पूरा पूरा वोट, पूरा वोट। और भाई साहब से बात करा, भाई साहब के नाम बता रहा हूँ? नरेंद्र कुमार नाम। अच्छा, के लाग रहे के हिसाब से जीतू गणित बैठ सी? गणित तो आपके बारा साफ झलक दिख रही है गुड्डा जी की, हर कौम उनके साथ में हो रही है, और जो उनका कार्य देखा है लोगों ने तो वो उनके साथ में जाएंगे। हर कौम की बात कर दो, कई बार बोल रहे हैं कि भाई चारों में जाट ही जाट हो रही है, अदर कास्ट को सिस्टम है, तो अदर कास्ट ने एकजुट कर रहे हैं कि सर, या सिर्फ जाटा टारगेट कर रहे हैं कि? देखो जाटा को बया कोई टारगेट को नहीं, जाटा के लोग भी साथ में ही, इसी कोई बात को नहीं है, लेकिन कैंडिडेट देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कैंडिडेट अब की बार सोलिड अब की बार है ना, तो क्या हो कि बीजेपी कांग्रेस वोट देने के लिए जगह कड़ी है, देना पड़ता मतदार को अधिकार है सबने, लेकिन अब की बार ये कहें कि मजबूती मिली है वोटर ने, तो वह बन कर राजेंद्र जी के साथ में जाओगे। तो एक साधारण तरीके से फोरम के हिसाब से बाकी पूरा ताकत दिखा रहे हैं, क्या बात है? देखो ताकत तो 13 तारीख ने पेटीएम दिख जाएगी सबने, जो सबके सामने आ जाएगी। तो अच्छा, एक महीने से लगातार गुड्डा जी झुंझुनू में एक्टिव हैं, लगातार है? बिल्कुल एक्टिव हैं, 6 महीने से कंटिन्यू हर वोटर से मिल रहे हैं, और वोटर भी ये चीज़ की खुशी है कि माने एक नेता से डायरेक्ट संपर्क करने को मौको मिल रहा है, तो बस वोटर तो देखो बन देवेगा वोट। तो कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि भैया सिर्फ राजपूत वोटर तोड़ के बीजेपी ने हराने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। है कि कोई बात को नहीं, देखो पहली बार यहाँ को नेता मिल रहा है, और भाई बात है बोल रहे हो राजपूत जाट ये हैं कि कोई बात को नहीं है, नेता अब की बारी है। गुड्डा जी खुद गुड्डा जी की रील देखी ने, ये वो इधर एमएलए जाट, एमपी जाट, प्रधान जाट, सह जाट, चर्चा करी, भाई बात कर रहे हो दूसरी अन्य बात तो देखो बोलने की बात ही, बात तो दिख रही है सबने, सुनी नहीं दे? हाँ सुन रही है, लेकिन बात तो दिख रही है सबने, अदर कास्ट ने एकजुट करने की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार साथ मिलेगा, साथ मिलेगा बिल्कुल गुड्डा जी को। एक चीज़ है, लोग राज के साथ भी चलने का प्रयास करते हैं, राज में कहेगा ट्रांसफर का काम ही, कहेगा क्यों काम ही, चाहे राज ने छोड़ गुड्डा जी को साथ किया। हाँ, मैं एक छोटे से उदाहरण दे दूँ के लिए। राज तो पिछली बार भी झुंझुनू के अंदर पहली भी उपचुनाव है सूरजगढ़ के अंदर, दिगंबर सिंह जी राज का धनिया बड़ा सारा जगह, और पूरा राज आ गए चुनाव लड़े हो, जके दिन वोट 35,000 सुअर आगे भेजो, तो जके दिन राज तो कर्मचारी जके दिन भी आ, राज जके दिन भी हो, तो राज को किन डर लागे? राज वाली बात तो बैठे भी होती है, तो राज वाली बात तो वो भी उदाहरण सुई देख लो राज को कितो की है। अरे गुड्डा जी, चर्चा हुआ है कि किस हिसाब से चुनाव की रणनीति रही, अब के हिसाब से दोरा दारा उसी कुछ? बिल्कुल गुड्डा जी सु दिन ब जिन उनके जितने वोटर हैं सबसे ही चर्चा होती रहती है। गुड्डा जी ये जो बाकी के जिनको टिकट मिली है ना, वो 10-15 दिन में जितना लोगों से मिलेंगे ना, उतने लोगों से वो रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं। तो मुख्य मुकाबला गुड्डा जी किससे मान रहे हैं, कांग्रेस से मान रहे हैं, बीजेपी से मान रहे हैं? अब देखो वो तो समय बताएगा किससे है, लेकिन मुकाबला अब गुड्डा जी का ही है। गुड्डा जी का ही है। हाँ, ढिला ढिला को नहीं, एकदम एक्टिव क्या एक्टिव हो? एक्टिव देख लो, पूरा अलर्ट हो। हाँ, तो चुनाव वालों घुसो के माहौल रही पकड़ो, चल लोगो के हिसाब से देख लो, पब्लिक देखो बढ़िया चल लोगो, चुनाव को खेचते से काम एकदम। कई लोग हैं जो उदयपुर वाटी में आ रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं बारी, क्यों दूसरों को लड़ सके? कौन लड़ सका? नहीं लड़ तो खड़े भी सका है। बताओ कौन लड़ सका? ये दूसरी जगह कौन लड़ सका? एक पूरे राजस्थान में खड़े लड़ सका? नहीं, राजस्थान में दूसरी जगह नौकरी कौन कर सका? ये राजस्थान में एक ही जगह नौकरी कराइए,
तो दूसरी जगह लड़ सका, वही है, कोई भी कठे सभी चुनाव लड़ सके। पूरा विश्वास है जीत को? विश्वास तो दिखावांगा, विश्वास तो पहले किन्ने बेरो पड़े, पहले कोई ज्योतिषी को ना मारगन, कोई ज्योतिषी विद्या हो तो बता दिया कि को जीतता को जड़ भी कहीं साथ हो जावा। तेतवाने तो उदयपुर वाली टीम तो हरा दिया चुनाव में, हार जीत तो साहब हार जीत तो होती रही, बट क्या गड़बड़ लगी तन के साहब के मामले, गड़बड़ के है जी को जादो तो जनता जनार्दन है, जिने जीता भी जीता जिने हरावे भी ना हरावे। ये लाल डायरी वाला मुद्दा बटे ज्यादा ही चट गयो है, लाल डायरी वाला कुछ भी मुद्दा हो जनता को मूड पे, जनता एक ही एक ने जिताती रह जाए तो मुद्दा ही कौन बने ना। सही बात है, अब वो मुद्दा बन रहा है की शीश राम जी का खानदानी चाल दी है बीमारी, अब तो खानदानी है तो ये खानदानी परंपरा तोड़ चुके है, तो तैयारी में लाग रहा। अच्छा चेप दे काम ने ओ। तो नामांकन का एक दिन बचा है, कांग्रेस ने नामांकन दाखिल कर दिया, निर्दलीय गुड्डा जी ने नामांकन दाखिल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र बाबू है वो जस्ट अभी नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। तो यहाँ झुंझुनू में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, नामांकन की 30 तारीख लास्ट है, देखते हैं कौन सा नामांकन रहता है कौन सा नहीं रहता, लेकिन यहाँ झुंझुनू में चुनावी घमासान है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको झुंझुनू चुनाव की पल पल अपडेट हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।